नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट एवं डकैती में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने दी जानकारी। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे एक दरोगा, 6 सिपाही, 2 महिला सिपाही एवं एक अनुचर सहित कुल 10 पुलिस कर्मियों को घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। सभी के विरुद्ध करवाई जा रही है विभागीय जांच। गाजियाबाद से गोरखपुर लाए गए एक ट्रक पर लदे 84 बोरे प्रतिबंधित और अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने किया जब्त। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा की जा रही है विधिक कार्यवाही। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल से बाइक सवार पहुंचे महाप्रबंधक कार्यालय। मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने सभी बाइकर्स का किया स्वागत। कहा, बाइक रैली और रेलवे का बैंड अमृत महोत्सव का संदेश लेकर जाएंगे चंपारण, 14 अगस्त को पहुँचेंगे दिल्ली। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, फरियादियों की समस्याओं के कुछ मामलों का तत्काल किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एसएसपी ने चिरुआ ताल व पीपीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। खजनी तहसील पर डीएम व एसएसपी ने 172 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, 7 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बचे हुए मामलों के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। ₹500 से ₹700 रुपए में सांसदों के कोटे की बर्थ बेच रहे दलाल को आरपीएफ, सीआईबी और सतर्कता विभाग की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 3 सांसदों के साइन किए हुए मिले 35 लीटर पैड भेजा जेल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, रेलवे काउंटर या फिर आईआरसीटीसी या रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट से ही खरीदें हमेशा टिकट। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने रामगढ़ ताल में वोटिंग का उठाया लुत्फ। मीडिया से हुई रूबरू। कहा, गोरखपुर में फिल्म सिटी बन जाने से स्थानीय कलाकारों को नहीं पड़ेगा भटकना। इस क्षेत्र में रोजगार की है अपार संभावनाएं, मौका मिला तो जरूर लड़ेंगी चुनाव। राजघाट पुलिस ने 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोपू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सावन के महीने में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर के सभी मंदिरों पर व्यापक सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के दिए निर्देश। कहा, नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है हिदायत। लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 2,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। लिया गया उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा लूट व डकैती का वांछित अभियुक्त 25,000 के इनामिया मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्वर्गीय विदेशी निवासी मोहरीपुर नकहा नंबर 1 केवटहिया टोला थाना चिलुआ ताल जनपद गोरखपुर, जो कि विगत काफी दिनों से फरार चल रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर का एक संगठित
गिरोह है जिसने 4 अप्रैल को शैलेंद्र कुमार मिश्र पुत्र नमेंद्र मिश्र निवासी रुस्तमपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के द्वारा अपने को जानने वाले लोगों से कुल 4,60,000 रुपया बलदेव प्लाजा पर उधार लेकर अपने घर रुस्तमपुर जाने के लिए निकले थे कि साय करीब 7 बजे के आसपास रुस्तमपुर स्थित उसके घर के पास से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन रोककर उसके हाथ से पैसे वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे। मनोज साहनी उर्फ टमाटर का एक संगठित गिरोह है जो नेपाल में कारोबारियों व्यापारियों की रैकी कर उनके साथ लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध करते हैं। इस गैंग के द्वारा पूर्व की कई घटनाओं में हत्या तक की गई है। इस तरह के जघन्य अपराधों में इनके कुछ साथियों द्वारा कारोबारियों व्यापारियों के आने जाने की मुखबिरी रैकी की जाती है तथा संयुक्त रूप से इस गैंग द्वारा अवैध असलहों से लैस होकर रास्ते में ही आने जाने वाले कारोबारियों व्यापारियों से लूट डकैती जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस गैंग के कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक लाइन भारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने कहा, दिनांक 15/7/2022 को एक बहुत ही शातिर 25,000 के इनामी लुटेरे की गिरफ्तारी थाना कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। इस लुटेरे की गिरफ्तारी कचहरी के गेट नंबर 2 थाना कैंट से की गई है। इस पर कुल 8 लूट के एवं अन्य शस्त्र अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत थे। ये व्यक्ति करीब 2.5 महीने से फरार चल रहा था। इसने कई सारी लूट की घटनाओं को पारित किया गया है जिसमें हाल ही में थाना कैंट में बलदेव प्लाजा पर हुई 4,60,000 की लूट शामिल है जिसके बाद से यह अपराधी फरार चल रहा था। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा थाना यातायात पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी जो लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे का संज्ञान लेकर कार्यवाही करते हुए दरोगा लालचंद्र वर्मा थाना खजनी, कांस्टेबल अभिनव सिंह थाना गगहा, कांस्टेबल हरिकेश पाठक थाना बढ़लगंज, कांस्टेबल सत्यप्रकाश पासवान रिजर्व पुलिस लाइन, कांस्टेबल सूर्यकांत यातायात, पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र यादव रिजर्व पुलिस लाइन, कांस्टेबल दिग्विजय चौहान पुलिस लाइन, महिला कांस्टेबल अर्चना राय थाना चिलुआताल, महिला कांस्टेबल अनुराधा सिंह महिला थाना व अनुचर असलम निषाद रिजर्व पुलिस लाइन सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सभी के विरुद्ध विभागीय जाँच भी करवाई जा रही है। जनपद के राजघाट थाना अंतर्गत टीपी नगर चौकी पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल को उस समय कामयाबी मिली जब उसके एक ट्रक पर लदे 84 बोरे अवैध पॉलीथीन को अपने कब्जे में कर लिया। सूचना पाते ही नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह भी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा जांच करके बताया कि यह सभी पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवैध हैं, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और प्रवर्तन दल की संयुक्त कार्यवाही में अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पकड़ा गया है। यह पॉलीथीन ट्रक में लादकर गाजियाबाद से गोरखपुर की ओर आया था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। कानूनी प्रक्रिया और जब्तीकरण की कार्रवाई थाना राजघाट में पूरी की गई। इस अवसर पर नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, संजय गुप्ता, टीपी नगर चौकी इंचार्ज अनुप कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, डाला खोलो।
बहुत है सर जी, आधा घंटा चौरासी बोरा होना चाहिए। गाड़ी आ रहा है मतलब है कि प्रतिनिधि पॉलिथिन है जिसमें कि जो है हम लोग के पास खड़ा हुआ है, ऐसा कि मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 84 बैग उसमें और अनुमानित मात्रा जो है 21 क्विंटल के अराउंड प्लास्टिक बैग है। हम लोग मतलब कि जोनल अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, चूँकि एक्ट में उन्हीं को पावर दिया गया है कि वो आएंगे और मतलब जब्तीकरण की कार्रवाई करके आगे जो जुर्माना लगाना है उसमें मतलब विचार किया जाएगा। ये ट्रक जो प्लास्टिक बैग है उसे सीज करके विनिष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा। ये सब चीज़ें तो है कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि गाजियाबाद से चीज़ें आ रही हैं, पर ये चीज़ें हैं कि जाँच का विषय है और मेन है कि इसमें जो हम लोग जहाँ पर मतलब की सोर्स है उसके न करके जहाँ पे हमें ये मिल रहा है तो वहाँ पे हम इसको लेके मतलब कि मार्केट में फैलने नहीं देंगे, तो उससे जो चीज़ें हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो स्थिति है उसे हम लोग पूरे तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जत नगर से बाइक सवार गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में न्यू ऑडिटोरियम में पहुंचे, जिसके संबंध में मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों डिवीजन पर कुल 75 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बाइक रैली, एलईडी वाहन और रेलवे का बैंड अमृत महोत्सव का संदेश लेकर चंपारण जाएंगे। उसके बाद वहां से वह दिल्ली 14 अगस्त को पहुंचेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने कहा, Thank you.
हम अस्पताल पहुंचाते चोरों और दलालों को हथकड़ियां है पहनाते जो दुश्मन है पर्यावरण का उस दुश्मन से लड़ेंगे तस्कर और नशे के सौदागरों का अंत करेंगे रेल पथ पर गश्त लगाता रहता गश्ती दल वर्षगांठ के पूरे होने पर उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा साबरमती आश्रम में 12 मार्च 2021 को किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देशव्यापी स्तर पर मनाए जाने के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों लखनऊ वाराणसी तथा इज्जत नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट स्तर पर वृक्षारोपण तथा यात्रियों को जन सेवा कराना एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके आश्रितों को सम्मानित किया जा रहा है। इस महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसके तहत मोटरसाइकिल रैली, एलईडी डिस्प्ले वैन व आरपीएफ बैंड आज इस कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान व रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियों को आम जनमानस में प्रचार प्रसार करते हुए रेलवे का यश बढ़ाने का कार्य करते हुए आज आप लोगों के समक्ष गोरखपुर मुख्यालय में उपस्थित हुए हैं। आप सभी बल सदस्यों का गोरखपुर में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आप सभी आयोजन में उपस्थित हुए बल के अधिकारियों व जवानों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। जय हिंद। ऐसा है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये इसके अंडर हम जैसे एनी रेलवे है, एनी रेलवे के तीनों डिवीज़न वाराणसी डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न और इज्जत नगर डिवीज़न, इनके करीब 25-25 स्टेशन प्रत्येक डिवीज़न के मतलब 75 स्टेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। बाइक रैली, हमारी एलईडी वैन और हमारा बैंड, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश ले करके 75 स्टेशन से एनी रेलवे के सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। कल इनको जीएम साहब फ्लैग ऑफ करेंगे गोरखपुर स्टेशन से और ये सब जाएंगे चंपारण, जहाँ से बापूधाम जो हमारा स्टेशन है जो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है वहाँ सब रिपोर्ट करेंगे। 4 रेलवे की बाइक रैली वहीं पर पहुँचेगी और फिर वहाँ से ये लोग दिल्ली के लिए जाएंगे ताकि 14 अगस्त को ये दिल्ली पहुँच जाए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट एवं डकैती में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने दी जानकारी। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे एक दरोगा, 6 सिपाही, 2 महिला सिपाही एवं एक अनुचर सहित कुल 10 पुलिस कर्मियों को घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। सभी के विरुद्ध करवाई जा रही है विभागीय जांच। गाजियाबाद से गोरखपुर लाए गए एक ट्रक पर लदे 84 बोरे प्रतिबंधित और अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने किया जब्त। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा की जा रही है विधिक कार्यवाही। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल से बाइक सवार पहुंचे महाप्रबंधक कार्यालय। मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने सभी बाइकर्स का किया स्वागत। कहा बाइक रैली और रेलवे का बैंड अमृत महोत्सव का संदेश लेकर जाएंगे चंपारण, 14 अगस्त को पहुँचेंगे दिल्ली। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा फरियादियों की समस्याओं के कुछ मामलों का तत्काल किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एसएसपी ने चिरुआ ताल व पीपीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। खजनी तहसील पर डीएम व एसएसपी ने 172 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा 7 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बचे हुए मामलों के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। ₹500 से ₹700 रुपए में सांसदों के कोटे की बर्थ बेच रहे दलाल को आरपीएफ, सीआईबी और सतर्कता विभाग की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 3 सांसदों के साइन किए हुए मिले 35 लीटर पैड भेजा जेल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा रेलवे काउंटर या फिर आईआरसीटीसी या रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट से ही खरीदें हमेशा टिकट। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने रामगढ़ ताल में वोटिंग का उठाया लुत्फ। मीडिया से हुई रूबरू। कहा गोरखपुर में फिल्म सिटी बन जाने से स्थानीय कलाकारों को नहीं पड़ेगा भटकना, इस क्षेत्र में रोजगार की है अपार संभावनाएं, मौका मिला तो जरूर लड़ेंगी चुनाव। राजघाट पुलिस ने 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोपू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सावन के महीने में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर के सभी मंदिरों पर व्यापक सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के दिए निर्देश। कहा नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है हिदायत। लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट के 2,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। लिया गया उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। यो कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेजवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेजवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेजवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया और फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि तहसील समाधान दिवस पर विभिन्न प्रकार के मामले आए, जिसमें आवास विकास नलकूप विभाग तथा जमीनी एवं पारिवारिक मामले आए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया, ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से आए। इस अवसर पर SDM सदर शिवम सिंह, अंडर ट्रेनिंग SDM राजेश कुमार, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता, CO कैंट श्याम देव बिंद, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, डीएम साहब ने बीजे के कर्मचारी को भेजा इसके संलग्न के साथ, उन्होंने गायब कर दिया। फिर मैंने जाके 12-7 में रिसीव कराया। Bye.
तहसील समाधान दिवस पर विभिन्न प्रकार के मामले आए। कुछ मामले आवास विकास से संबंधित थे, कुछ प्राधिकरण से संबंधित थे, कुछ नलकूप विभाग से, परंतु मुख्यतः मामले तहसील और थाने से संबंधित जमीनी विवाद एवं अन्य प्रकार के पारिवारिक विवाद के मामले सामने आए। कितने मामलों का अभी लगभग 8 से 10 मामलों का निस्तारण तत्काल कर दिया गया है। हमें 86 मामले अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। अभी तहसील दिवस बाकी है, जब बाकी भी आएंगे उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। ज़्यादातर जमीनी विवाद के मामले सामने आए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने चिलुआ ताल व पीपीगंज थाने में जनसुनवाई का औचक निरीक्षण किया। थानों पर जनसुनवाई हेतु नियुक्त पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई रजिस्टर को चेक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी आमजनों की शिकायतों और जनसुनवाई के काम में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। आए हुए फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जाए। तदुपरांत खजनी तहसील में जिलाधिकारी व एसएसपी संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में पहुंचे, जिसमें 172 फरियादियों ने अपनी अपनी फरियाद से डीएम एसएसपी को अवगत कराया। 7 फरियादियों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। बचे हुए मामलों का निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए, जिससे आम जनमानस को बेवजह परेशान होना पड़े। तहसील समाधान दिवस खजनी में सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम खजनी सिद्धार्थ पाठक, क्षेत्राधिकारी खजनी अनिल कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, तहसील कंजी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जहाँ पर जो प्राप्ति आए हैं उनकी समस्याओं को सभी अधिकारियों द्वारा सुना गया है। विशेष रूप से जो मामले हैं उसकी ड्राइंग टीम बना करके तत्काल आज भी उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, और आगे से ऐसे मामलों के साथ कैसे कमलाई जाए उसके बाद ट्रेन में सीट उपलब्ध कराने के लिए 500 से 700 रुपए में सांसदों के कोटे की बर्थ बेच रहे दलाल को आरपीएफ, सीआईबी और सतर्कता विभाग की संयुक्त टीम ने पिछले सप्ताह गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दलाल के मोबाइल में गोरखपुर सदर, बांसगांव और संत कबीर नगर के सांसद का पैड मिला है, जिसका इस्तेमाल कर वो वेटिंग सीट को वीआईपी कोटे से कन्फर्म कराता था। उसके पास से
8,880 रुपए कैश भी मिले हैं। एक सप्ताह पहले आरपीएफ की सीआईबी टीम को सूचना मिली कि बिछिया का रहने वाला सतपाल सिंह सांसदों के पैड पर वेटिंग टिकट कंफर्म कराता है। शिकायत के आधार पर सतर्कता दल निरीक्षक यातायात के साथ आरपीएफ की टीम पिछले सप्ताह स्टेशन पर जुट गई। सीआईबी निरीक्षक ने बताया कि सत्येंद्रपाल नाम का दलाल स्टेशन पर एक व्यक्ति को 12565 नंबर ट्रेन की वीआईपी कोटे से कंफर्म टिकट देने पहुंचा। अभी वह यात्री को टिकट दे ही रहा था कि उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिछिया का रहने वाला है और 500 से 700 रुपये अधिक लेकर टिकट कन्फर्म कराता है। उसने बताया कि वह सदर सांसद रवि किशन, खलीलाबाद सांसद प्रवीण निषाद और बांसगांव सांसद कमलेश पासवान के लेटर पैड का इस्तेमाल कर सीसीएम कार्यालय से टिकट कंफर्म कराता है। उसने बताया कि उसके आदमी सांसदों के प्रतिनिधि को 200 से 300 रुपए देकर कोटे पर साइन करा लेते थे और सीसीएम कार्यालय में जमा कर देते थे। लगभग 90% आवेदन पर कोटा आवंटित हो जाता था। टीम ने जब दलाल सत्येंद्र के मोबाइल की जांच की तो उसकी गैलरी में 3 सांसदों के साइन किए हुए 35 लेटर पैड मिले। सभी पैड का प्रिंट आउट कराकर जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही उसके पास से 8,880 रुपए भी बरामद हुए। पूरी तरह से पड़ताल के बाद दलाल सत्येंद्र पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के सतर्कता विभाग और RPF की टीम ने टिकट दलालों के खिलाफ अभियान चला रही है। यात्रियों से अपील है कि टिकट हमेशा रेलवे काउंटर या फिर IRCTC या रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट से ही लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे फर्जी टिकट दलालों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाती है। इसी क्रम में जो हमारी सतर्कता विभाग की टीम है और RPF की टीम, इन लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़ा है जो इस तरह के मामले में संलिप्त था। उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी यात्रियों से पूर्वोत्तर रेलवे अपील करता है कि जो अपना टिकट है वो अधिकृत जो एजेंट हैं रेलवे के, या तो उनके यहाँ से लें या फिर IRCTC की वेबसाइट या रेलवे के काउंटर से ही प्राप्त करें। ऐसे दलालों या फर्जी लोगों के झांसे में ना आए और रेलवे निरंतर ऐसे लोगों के विरुद्ध जहाँ भी शिकायत प्राप्त होती है वहाँ कार्रवाई करती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो रेलवे एक्ट के अंतर्गत है परमिटेड है उसके अनुसार की जाती है। सर अभी तक कितने लोग अंजाम दे चुका है, अंजाम कितना दे चुका है? अभी पहला है, अभी जांच चल रही है मामले की, उसको पकड़ा गया है अभियुक्त को, उस मामले की जांच चल रही है। शनिवार को एल्बम की शूटिंग के लिए गोरखपुर आई भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने रामगढ़ ताल में बोटिंग का लुत्फ उठाने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का जिस तरह से विकास हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी पूरी टीम को श्रेय जाता है। अचरा सिंह ने कहा कि गोरखपुर में फिल्म सिटी बन जाने से स्थानीय कलाकारों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर अधिक से अधिक फिल्म की शूटिंग हो इसके लिए वे खुद भी प्रयास करेंगी। जिस तरह से भोजपुरी फिल्म के लिए काम चल रहा है इससे अब यूपी व बिहार के कलाकारों को मुंबई में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने कहा, कितना जाना उठा का पानी पिए थे इसके बाद में हमरा से बहुत लोग दो चार महीने ऐसे आती हैं तो पानी पनिया थोड़ा दिखवा देते हैं विवेक का, तो विवेक पानी भर दे दूँ घर जाके छिड़ती है जब अंदर जाएगा तब खुलेगा, हार तो पता लग रहा है। लोग पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, जो लोग थे बोल दीजिएगा ये ब्लॉग हो गया उनके।
नौका विहार क्योंकि वहाँ पे आई लव गोरखपुर है ना, फोटोज ले लेके डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, क्योंकि सच में बहुत सुंदर जगह है जी। जिस तरीके से आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं में आई डोंट नो अभी तक कोई आया नहीं है, भोजपुरी से कोई आया, थोड़ा और नाम अर्जित करना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मे बी। सबसे पहले तो जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, पूरे गोरखपुर को प्रणाम। और गोरखपुर से मुझे यहाँ 2 दिन गुजारा मैंने और 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई, तो मुझे प्यार हो गया है गोरखपुर से। और बहुत ही सुंदर शहर, बहुत ही अपनत्व, और 2 दिन में जो भी लोकेशंस मैंने देखे, जो भी चीज़ें देखी, अभी जस्ट देख सकते हैं आप टीका, जस्ट अभी दर्शन करके आ रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से बाबा का आशीर्वाद लेके, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और इसका तहे दिल से धन्यवाद जाता है महाराज जी को, और अगर वो नहीं होते तो शायद इस तरीके की तरक्की नहीं हुई होती, और उनके साथ साथ माननीय सांसद जी को जिन्होंने गोरखपुर को यू नो प्राथमिकता देके गोरखपुर को और बढ़ाया, और इसके लिए निरंतर उनका प्रयास चलता रहता है, तो सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे कलाकारों को अब गोरखपुर आके, जो यूपी बिहार से जाके बम्बई धक्के खाते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम जैसे कई कलाकार जो नए नए जाते हैं और उनको उस तरीके से काम नहीं मिल पाता है, उन सभी लोगों के लिए ये एक दरवाज़ा खुला, और यहाँ पे ही यूपी बिहार के जितने आर्टिस्ट हैं उनको काम मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और हमको लगता है हर किसी का घर चलेगा अब यहाँ से, और इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ महाराज जी को जाता है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि महाराज जी ने हम कलाकारों के लिए सोचा और सोचते भी हैं, और उनके मन में जो इज्जत है हम सबों के प्रति, वो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात। शूटिंग के लिहाज से जो 2 दिन मैंने देखा यहाँ पे, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लोकेशंस हैं, यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव हैं कि मैं तो यहाँ एल्बम का गाना करने आई, चूँकि सावन आ गया है तो सावन में हर साल शिव जी का गाना आता है, तो उन्हीं गानों के लिए शूटिंग के लिए आई मैं यहाँ पे, बट इतना कोऑपरेशन देख के, इतना यू नो जो माहौल था वो इतना सुंदर और इतना अच्छा था कि मन गदगद हो गया, और मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ एल्बम के लिए, मैं आगे अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करूँगी, चूँकि आप लोग सब जानते होंगे कि फिल्में मतलब बहुत कम गिनी चुनी फिल्में करती हूँ, बट खुद से फिल्म बनाऊँगी और डेफिनेटली गोरखपुर में आके शूट करूँगी। ये पहल जो है महाराज जी का, वो बहुत अच्छा और सही पहल है, बिकॉज़ मैंने बताया कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जो कलाकार हैं, जो नए नए भी यंगस्टर्स हैं, उनको यू नो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनको यहाँ पे ही उनके लिए चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, तो उनको बाहर जाके यू नो इधर उधर दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, मेरा मानना ये है और मेरा नज़रिया भी यही है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आई होप कि आगे आने वाले समय में हम यहाँ फिल्म सिटी तो देखेंगे ही, लेकिन बड़े बड़े आज तो सांसद जी हैं, इतने बड़े कलाकार रहे हैं, हैं भी, तो उनके जैसे न जाने कितने रवि किशन यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ अपना नाम बनाएंगे, तो ये बेहद अच्छी बात है। अभी तो नौका विहार करके आए, हमको ऐसा लगा कि हमको वहीं रह जाना चाहिए था। ये बस मेरे ख्याल से करीबन 1 हफ्ते में ये, हाँ जी हाँ जी, उस गाने का बोल है, मेरे नाथ चले आओ, भोले नाथ चले आओ, तब तक तो कॉपी हो जाएगा गाना, भोले नाथ चले आओ, मेरे नाथ चले आओ, भोले नाथ चले आओ,
मेरे नाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ। जी तो ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अकेले इंसान जब हर जगह से टूट जाता है तो उसको एक शिव ही याद आते हैं और उनकी खोज में निकल पड़ता है, तो वो मैं हूँ और वो खोज करने में गोरखपुर आई हूँ। एल्बम तो बहुत समय से चल रहा है बट पहली बार गोरखपुर में मैं आई हूँ शूट करने। कल मैं गई थी कुसुमी जंगल भी, वहाँ पे भी मैंने शूट किया और नौका विहार भी किया और भी बहुत सारी जगह पे किया। तो मैं अब ये सिलसिला चलता रहेगा, अब ना सिर्फ सावन के गीत, अब जितने भी और भी हिंदी गाने बना रही हूँ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात हो रही है, मैं सबको यही मैं गोरखपुर के लिए बताना चाहती हूँ और उनको अपने साथ लेके आना चाहती हूँ कि मैं गोरखपुर उनके साथ आके शूट कर सकूँ। डेफिनेटली गोरखनाथ मंदिर अभी जब दर्शन करने गई तो मेरे दिमाग में आए वो, और मैं खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हूँ और मैं उनके ऊपर भी गाना निकालूंगी, साथ ही अपने महाराज जी के लिए भी निकालूंगी और गोरखपुर के वासियों के लिए भी निकालूंगी। सशक्तिकरण को लेके मेरे तरफ से क्या प्रयास चलेगा, सबसे पहले तो अपने मोदी जी, योगी जी, इन लोगों का इतना बड़ा योगदान है हमारे समाज में। इस वक्त हम सब निडर होके रास्ते पे चलते हैं, कहीं भी घूमते हैं, हमारे जैसे कलाकार भी कहीं निकल जाते हैं, कोई डर नाम का चीज़ नहीं है और धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि और भी जितनी लड़कियाँ हैं, जितनी महिलाएँ हैं, वो सब अब इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जितने तमाम लोग हैं, जितने कलाकार हैं, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ तो आ गए और हम शूटिंग भी कर रहे हैं बड़े ही अच्छे से और लोगों के कॉपरेशन से हमने शूटिंग की है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ ना सिर्फ एक दो फिल्म में अब यहाँ गढ़ बना लिया जाए और एक दूसरे को सपोर्ट करते इस जगह को प्रमोट किया जाए और सब सम्मिलित रूप से इस चीज़ को और बढ़ाया जाए और भी फिल्में बने यहाँ पर। मैं तो अपनी फिल्म लेके आ रही हूँ बट आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपनी अपनी फिल्म लेकर आएं और अच्छे से शूट करें और लोगों को प्यार भी दें और लोगों से प्यार पाएँ। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं अभी तो नए लॉट में, बहुत कम लोग हैं जो आ रहे हैं। मैं जितने भी और कलाकार हैं जो आगे ड्रीम रखते हैं कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, आप सब आएं और अपने सपने को साकार करें, उसमें आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप खुद ज़िम्मेदार होंगे अपने सपनों के लिए। इसलिए आगे बढ़ें, मेहनत करें और अपने आप को प्रूव करें। राजघाट पुलिस ने 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सुबह करीब 5 बजे नेशनल हाईवे अमरूद मंडी इंटरलॉकिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अभिषेक उर्फ भोपू पुत्र स्वर्गीय पिंटू निवासी अमरूद मंडी चक्रा अव्वल जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल अर्जुन शर्मा, देवेंद्र कुमार, विनोद कुमार शामिल रहे। सावन के महीने में नगर के सभी मंदिर पर नगर निगम की टीम द्वारा साफ सफाई रखने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि निगम क्षेत्र के जितने भी शिव मंदिर हैं उन सभी की व्यापक रूप से सफाई किए जाने के निर्देश सभी नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है। प्रत्येक सोमवार को हर शिव मंदिर के सामने साफ सफाई के साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सावन भर मंदिर के आसपास किसी भी हाल में किसी भी तरह का मांस नहीं बिकना चाहिए, अगर कोई मांस बेचते हुए मिलता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा,
सावन माह के मद्देनज़र नगर निगम क्षेत्र के भीतर जितने भी शिव मंदिर हैं या अन्य मंदिर हैं उन सभी की व्यापक रूप से सफाई किए जाने के निर्देश बैठक के माध्यम से समस्त इंस्पेक्टर सफाई सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं और प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक शिव मंदिर के सामने सफाई के साथ साथ वहां पर चूने का छिड़काव आदि के भी निर्देश दिए गए हैं और शाम के समय उनको फॉगिंग किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और लगातार सावन माह में पूरे शहर में कहीं पर भी मंदिरों के आसपास किसी भी हालत में जो मांस है नहीं बिकना चाहिए, नहीं वहां पर कोई बेच सकता है, इस सब बात के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई बेचता हो पाया जाएगा तो कड़ी कठोर कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी। जहाँ पर भी जैसे कि बेलपत्र और फूल होती है वहाँ पर डस्टबिन रखवाई गई है तो कहा गया है मंदिर के पुजारी अन्य लोग जब वो जो चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो इकट्ठे हो जाने के बाद जो है उसको वहाँ पर डस्टबिन में रखवा दें और वहाँ से हमारे कर्मचारी जो हैं सफाई कर्मचारी कायदे से उसको श्रद्धापूर्वक उठा कर लेकर अन्यत्र जो है सुरक्षित रख देते हैं। बांसगांव थाने की पुलिस ने लूट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सतप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को ग्राम बल्लोचक मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अवधेश निषाद पुत्र स्वर्गीय राम सकल निषाद निवासी ग्राम बल्लोचक थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 2000 रुपये नकद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर लूट का मुकदमा पंजीकृत था जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी, कांस्टेबल दीपक यादव, देवेश वर्मा शामिल रहे। पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में पूर्वांचल हिंदी मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदर्श राय की अध्यक्षता में साहित्य सभा का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर बेतिया हाता स्थित नवालयन एकेडमी के केंद्रीय कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष चितरंजन मिश्र ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में नवालयन एकेडमी के चेयरमैन एवं सत्यनारायण त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि सत्यनारायण त्रिपाठी 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से ग्रेजुएशन शिक्षा प्राप्त की थी, पूरे विश्वविद्यालय में टॉप करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद 1952 में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से अपना शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर आमोद कुमार राय, डॉक्टर शाकिर अली खान, डॉक्टर प्रेमचंद शुक्ला, डॉक्टर अजय अंजान, किरण त्रिपाठी, प्रांजल त्रिपाठी, प्रखर त्रिपाठी, के एन गुप्ता, अरुण पांडे, अजय पांडे सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवालयन एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी नवल्स एकेडमी का संस्थापक हूं और संयोग से मैं प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी का सुपुत्र भी हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर एक साहित्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री चितरंजन मिश्र जी और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अनंत मिश्र जी उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, जिसके आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर आर डी राय जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं उनके सहित मैं इसके मंत्री के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से उन्होंने
स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की थी और पूरे विश्वविद्यालय को टॉप करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद 1952 में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपना शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया और 1957 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1958 में हिंदी विभाग के प्रारंभ होने पर उसमें वो शामिल हुए और तब से लेकर के 1988 तक वो विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। लगभग 36 की संख्या में उनकी पुस्तकें हैं जो आज भी हिंदी साहित्य के तमाम सारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का काम करती हैं। उनकी एक बड़ी पुस्तक, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, स्नातक स्तर के विद्यार्थी के लिए भाषा विज्ञान को समझने और पढ़ने का आदि ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात जो आज के इस युग में सभी लोगों के ग्रहण करने की है वो ये कि आचार्य त्रिपाठी अध्ययन अध्यापन को अपना एक शगल मानते थे, पढ़ना लिखना उनकी रुचि थी और अपने विद्यार्थियों को भी इसके लिए प्रेरित करना ये उनका परम कर्तव्य होता था, ऐसा वो मानते थे। और यही कारण है कि एक बहुत व्यवस्थित और मर्यादित ढंग का शिक्षक जीवन उन्होंने व्यतीत किया और आज 87-88 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी अगर 35 साल बाद उनकी स्मृति में उनके शिष्यों के द्वारा ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं तो निस्संदेह यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि त्रिपाठी सरीखे लोग, लोगों ने जो शिक्षा के लिए योगदान दिया है, जो शिक्षार्थियों के लिए योगदान दिया है, वो बहुत ही स्मरणीय रहा होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी जी, जो संयोग से मेरे पिता भी रहे हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें? गीतों की, गज़लों की, आलोचना की, तमाम सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। शिखरों का सागर उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गज़ल संग्रह था जिसको बहुत ख्यातिनाम गज़लगो शायर कुंवर बेचैन के द्वारा लोकार्पित किया गया था। बात समय समय की बात शीर्षक से एक उनकी दोहों की पुस्तक आई थी। ऐसे वो लंबी श्रृंखला है, सारी पुस्तकों का नामोल्लेख कर पाना संभव नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट एवं डकैती में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने दी जानकारी। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे एक दरोगा, 6 सिपाही, 2 महिला सिपाही एवं एक अनुचर सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। सभी के विरुद्ध करवाई जा रही है विभागीय जांच। गाजियाबाद से गोरखपुर लाए गए एक ट्रक पर लदे 84 बोरे प्रतिबंधित और अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने किया जब्त। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा की जा रही है विधिक कार्यवाही। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल से बाइक सवार पहुंचे महाप्रबंधक कार्यालय। मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने सभी बाइकर्स का किया स्वागत। कहा बाइक रैली और रेलवे का बैंड अमृत महोत्सव का संदेश लेकर जाएंगे चंपारण, 14 अगस्त को पहुँचेंगे दिल्ली। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा फरियादियों की समस्याओं के कुछ मामलों का तत्काल किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एसएसपी ने चिरुआ ताल व पीपीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। खजनी तहसील पर डीएम व एसएसपी ने 172 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा 7 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बचे हुए मामलों के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश।
500 से 700 रुपए में सांसदों के कोटे की बर्थ बेच रहे दलाल को आरपीएफ, सीआईबी और सतर्कता विभाग की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। तीन सांसदों के साइन किए हुए मिले 35 लीटर पैड भेजा जेल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, रेलवे काउंटर या फिर आईआरसीटीसी या रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट से ही खरीदें हमेशा टिकट। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने रामगढ़ ताल में वोटिंग का उठाया लुत्फ। मीडिया से हुई रूबरू, कहा, गोरखपुर में फिल्म सिटी बन जाने से स्थानीय कलाकारों को नहीं पड़ेगा भटकना। इस क्षेत्र में रोजगार की है अपार संभावनाएं, मौका मिला तो जरूर लड़ेंगी चुनाव। राजघाट पुलिस ने 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोपू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सावन के महीने में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर के सभी मंदिरों पर व्यापक सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के दिए निर्देश, कहा, नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है हिदायत। लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट के 2000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, लिया गया उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।